तो ये वाला प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू वन, देन प्रूव दैट वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वाई इनवर्स प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई प्लस जेड इनवर्स प्लस वन अपॉन वन प्लस जेड प्लस एक्स इनवर्स इक्वल्स टू वन। अभी पहले तो हम एल एच एस को लिख देते हैं, एल एच एस इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वाई इनवर्स प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई प्लस सेड इनवर्स प्लस वन अपॉन वन प्लस सेड प्लस एक्स इनवर्स, ये हमारा एल एच एस हो गया। सबसे पहले वाई इनवर्स को हम वन अपॉन लिख लेते हैं, सो कैन आई राइट वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन वन प्लस जेड प्लस वन अपॉन एक्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? बाद में एलसीएम ले लो, वाई का इन दोनों के साथ, जेड का इन दोनों के साथ, एक्स का इन दोनों के साथ। सो कैन आई राइट वन अपॉन वाई वन जा वाई एक्स जा, यहाँ पे तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, वन होल डिवाइडेड बाय वाई प्लस यहाँ पे भी वन अपॉन जेड वन जा जेड वाई जा, और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, होल डिवाइडेड बाय जेड। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? प्लस वन डिवाइड बाय एक्स वन जा एक्स जेड जा, और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स। नीचे के नीचे वाला तो ये y ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे z ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे x ऊपर चला जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y अपॉन y प्लस एक्स वाई प्लस वन प्लस z अपॉन z प्लस वाई जेड प्लस वन प्लस x अपॉन x प्लस एक्स जेड प्लस वन। अभी यहाँ से हम वन तक कैसे जाएं? कोई भी चीज़ को अगर हमें वन लाना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाए। उसके लिए हम क्या करें, हमारे पास जो हाजिर है वो हथियार, कौन सी चीज़ हाजिर है? तो यहाँ पे एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू वन, या वन की जगह पे एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं शुरुआत रैंडमली यहीं से शुरुआत कर देता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड। तो कैन आई राइट y अपॉन y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा फिलहाल, z अपॉन z प्लस वाई जेड प्लस वन प्लस x अपॉन x प्लस एक्स जेड प्लस वन, ठीक है। इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन देख रहे हो? वाई। तो क्या मैं वाई न्यूमरेटर में और वाई डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल दूं? तो यहाँ पे वन, यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे वाई जेड बचेगा, हाँ सॉरी एक्स जेड बचेगा, प्लस जेड अपॉन जेड प्लस वाई जेड प्लस वन, और यहाँ पे x अपॉन x प्लस एक्स जेड प्लस वन। थोड़ा लंबा है पर पेशेंस रखना, हो जाएगा। y एंड y कैन गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एक्स जेड। ऐसा ही सेम टू सेम तुम लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ी बनाऊँ तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कॉमन निकाल सकता हूँ। चलो एक स्टेप बढ़ा के रखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वन प्लस एक्स प्लस एक्स जेड, ये पहला टर्म, इस टर्म को रीअरेंज करके बीच में लिख देता हूँ, एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स जेड प्लस वन प्लस जेड यहाँ पे डिवाइड बाई जेड प्लस वाई जेड प्लस वन। अभी डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो सिर्फ डिनोमिनेटर को कॉमन निकाल रहा हूँ। सो कैन आई राइट वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एक्स जेड, मैंने कॉमन निकाल दिया,
तो इसमें से अगर मैं ये कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे तो वन ही बचा, प्लस वैसे का वैसा। इसमें से सिर्फ डिनोमिनेटर लिया, न्यूमरेटर तो वैसे का वैसा ही रहेगा, तो वन प्लस एक्स रहेगा प्लस जेड अपॉन जेड प्लस वाई जेड प्लस वन। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? देखो इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, अगर कॉमन निकालना ही गेम है तो यहाँ पे देखो, अगर मैं वन की जगह पे एक्स वाई जेड रख दूँ तो जेड कॉमन निकलेगा, जेड जेड कट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा वन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, हाँ एक्स वाई, पर इन दोनों को कॉमन नहीं निकाल पाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पे वन की जगह पे एक्स वाई जेड रख दूँ तो एक्स वाई जेड एक्स 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 कॉमन निकल जाएगा, और अगर एक्स कॉमन निकल जाएगा तो अंदर वाई जेड वाला फॉर्म बचेगा जैसा कि यहाँ पे है, तो बाद में ये और ये भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ट्राई करते हैं, बाद में देखते हैं कितने सक्सेस मिलते हैं। वन अपॉन वन की जगह पे एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस एक्स जेड ब्रैकेट में वन प्लस एक्स, राइट, और यहाँ पे जेड अपॉन जेड प्लस वाई जेड प्लस वन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? एक्स 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 को कॉमन निकाल दो तो वन अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वन प्लस जेड, यहाँ पे वन प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन जेड प्लस वाई जेड प्लस वन, वाई जेड प्लस वन प्लस जेड, वाई जेड प्लस वन प्लस जेड, ये दोनों कॉमन है तो दोनों डिनोमिनेटर में से मैं कॉमन निकाल दूँ, वन अपॉन वाई जेड प्लस वन प्लस जेड, यहाँ से भी कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पे वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स बचेगा और यहाँ पे प्लस जेड बचेगा, राइट। तो यहाँ पे हो गया वन अपॉन वाई जेड प्लस वन प्लस जेड, और यहाँ पे एलसीएम ले ले तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स जेड, वन प्लस एक्स प्लस एक्स जेड डिवाइड बाई एक्स। अगर ये एक्स ना होता और ये सेम होता तो हमारा आरएचएस आ जाता, पर अभी यहाँ पे वाई जेड फॉर्मेट है और यहाँ पे एक्स जेड फॉर्मेट है। फिर से एक बार हुक्म का इक्का चलाऊँ मैं, वन अपॉन वाई जेड प्लस वन प्लस जेड, और यहाँ पे वन की जगह पे मैं लिख दूँ एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड डिवाइड बाई एक्स, तो चलेगा एक्स एक्स एक्स, और नीचे एक्स कैंसिल हो सकता है तो यहाँ पे बचा वन अपॉन वाई जेड प्लस वन प्लस जेड, यहाँ पे एक्स कॉमन, राइट। ऊपर क्या बचेगा? वाई जेड प्लस वन प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स, एक्स एक्स विल गेट वाई जेड प्लस वन प्लस जेड, वाई जेड प्लस वन प्लस जेड विच इज इक्वल्स टू वन विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो ये प्रूव हो गया, इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू वन देन दिस इज इक्वल्स टू दिस। थोड़ा लंबा है, हो सकता है नहीं